आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपने को प्रश्न बोल रहा है कि यदि ई ए बराबर 30 केल्विन कैलोरी पर मोल हो तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर किसी अभिक्रिया के वेग नियतांक पर क्या असर होगा, यह बढ़ जाएगा तो कितने गुना बढ़ेगा, तो ये अपने को बताना है। तो अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कि ई ए बराबर 30 केल्विन कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ई ए क्या होता है? संकीर्ण ऊर्जा। क्या होता है? संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा। और अपने को तापमान दिया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अपन प्रश्न बोला है 10 डिग्री ताप वृद्धि पर, ठीक है। तो प्रारंभिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद अपन 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करें तो उसके वेग नियतांक में क्या असर होगा। तो अपन संकीर्ण ऊर्जा और तापमान के अंदर संबंध होता है आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं इसको, आरएनएस समीकरण, ठीक है। वो होता है के बराबर ए ई की पावर माइनस का ई ए बट्टा आर टी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आरएनएस समीकरण। ये यहाँ पे के है, के होता है क्रिया गति स्थिरांक और ए होता है अनुपाती स्थिरांक और ई होता है संकीर्ण ऊर्जा और आर होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी होता है तापमान, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि टी बराबर, मतलब तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस है तब के बराबर मान लेते हैं के वन है, तो इसको बोलते हैं समीकरण नंबर एक, ठीक है। तो समीकरण नंबर एक के अंदर अपन मान भी रखते हैं तो के वन अपना है ए ई की पावर, पावर मतलब घात 10 आर गुणा तापमान कितना है 10, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के बाद मान लेते हैं कि के टू उसका वेग नियतांक है तो बराबर ए ई की पावर माइनस का 30 आर 10 से बड़ा, तो पहले 10 था और बाद में 10 और बढ़ा तो मतलब 20 हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर दो और ये समीकरण नंबर तीन, अपन दो और तीन को क्या करते हैं कि भाग देते हैं, समीकरण दो भाग तीन, समीकरण दो भाग तीन। तो फिर क्या होता है कि K1 बट्टे में K2, क्या K1 बट्टे में K2, तो यहां से क्या हुआ कि A से K कट गया और ये ऊपर क्या हुआ E की घात माइनस का 30 10 R और ये नीचे वाले घात के ऊपर जाते प्लस में आ जाएगी तो 30 20 R, ठीक है। तो यहाँ से K1 बट्टे K2 E की घात यहाँ से 30 बट्टे R 1 बट्टे 20 माइनस 1 बट्टे 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में ऋणात्मक, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो K1 बट्टे K2 बराबर e की घात माइनस का 30 आर, इसको हल करते हैं तो ये आता है नीचे 210 ऋण 20, तो यहाँ से ये आता है माइनस का 30 आर बट्टे में माइनस का 10 बट्टे 200, तो यहाँ से क्या होता है 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आगे हल करते हैं तो ये माइनस आगे आता है, ये क्या होगा प्लस के अंदर, ठीक है। ये 30 आर गुणा 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया, ये कितना है 15, ठीक है, कितना है 15। तो K1 बट्टे K2 बराबर E की घात 15 बट्टे R, ठीक है। तो E को अपन लॉग के अंदर बदलते हैं तो K1 बट्टा K2 बराबर 2.303 से गुणा करते हैं और लॉग 15 बट्टे R, ठीक है। तो R का मान होता है 8.314, ठीक है। तो जब अपन K1 और K2 बराबर अपन इसको हल करते हैं, लॉग 15 का मान रखते हैं और यहाँ पे गुणधर्म लगाते हैं कि लॉग 15 बट्टे R या बोल सकते A बट्टा B होता है लॉग A माइनस लॉग B, तो जब अपन इसको हल करते हैं तो ये लगभग बराबर आता है 2 के, तो K1 बराबर आता है 2K2, तो ये दुगने से बढ़ता है कि इसका जो वेग नियतांक है ना वो दुगने से बढ़ता है। तो अपने को यही बताना था कि इसका वेग नियतांक कितने गुना से बढ़ जाएगा, तो ये दुगना से बढ़ेगा। तो अब अपन विकल्प देखते हैं तो अपना कौन सा विकल्प सही है, तो अपना दो नंबर विकल्प दुगने से बढ़ता है वो सही है। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।